और एक और बात, ये जो आप पीछे पेंटिंग देखते हैं गौरव की वीडियोस में, ये मैंने बनाई थी। हाँ जी। हाँ तो भैया सलाम राम राम सत श्री अकाल। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, सुनाओ अपने हाल चाल। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछले 10 दिन से मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला। लास्ट व्लॉग था मेरा से नो टू हेलमेट, और उसके बाद कोई व्लॉग नहीं आया 10 दिन तक। तो आज है 30 मई और पिछले 10 दिन से कुछ कॉन्टेंट नहीं आया, और इन 10 दिनों में कुछ ज़्यादा स्पेशल हुआ भी नहीं है। सिर्फ 2 दिन कुछ छोटे मोटे काम हुए हैं, उनमें से क्या क्या हुआ हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं हमारी दीदी श्री के बारे में। तो मेरी दीदी श्री ने पिज़्ज़ा ब्रेड बनाया था। अब उस दिनों पिज़्ज़ा ब्रेड जिस दिनों बना रही थी ना, तो मैंने सोचा चल बहन आज तू व्लॉग कर, फूड व्लॉग, मैं तेरा व्लॉग अपने चैनल पर डालूंगा और इस बहाने तू एक व्लॉग ट्राई भी कर लेगी। तो ये था ना कि जब हमने पूरी वीडियो बनाई ना, तो जैसे होता ना कि काम की वीडियो कितनी होती है, ब्लूपर्स कितने होते हैं, तो मैं सच बताऊं तो वीडियो काम की बहुत कम बनी और उसमें ब्लूपर्स बहुत ज़्यादा थे। तो मैं वीडियो नहीं डालूंगा, मैं सिर्फ डालूंगा ब्लूपर्स, इन्जॉय करो। देख इस एंगल पर पकड़िए, देख आड़ी तरफ नीचे था, अरे इतना ठीक है। हाँ चल। हाँ तो भैया सलाम राम राम सत श्री अकाल, मैं भी बढ़िया हूँ, सुनाओ अपने हाल। हाँ तो भैया सलाम राम राम सत श्री अकाल, मैं हूँ अपने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया हाल है मेरे। क्या कहनी है। हाँ तो दोस्तों सलाम राम राम सत श्री अकाल। आज गौरव का कैमरा जो है वो मैंने हाईजैक कर लिया है, और आज की व्लॉगिंग मैं करूँगी। आई गेस इट्स द राइट वर्ड, व्लॉगिंग इज द राइट वर्ड। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ब्रेड पिज्ज़ा। ब्रेड पिज्ज़ा कैसे बनाते हैं। वैसे हम लोग गए थे पिज्ज़ा ब्रेड लेने के लिए, पर वो बेस हमें कहीं पे मिला नहीं पिज्ज़ा का जो होता है, तो हमने सोचा ब्रेड से बना लेते हैं। ये जो आप पीछे पेंटिंग देख रहे हैं ये मैंने बनाई थी। ये इंस्पायर्ड है रस्ट से, जंग वाली जंग नहीं, लोहे वाला जंग। और आज हमारी बहन श्री है ना बनाएंगी व्लॉग। चले अब नीचे चले, चलो अभी ऊपर वाले रूम में, अभी नीचे चलो, चलते नीचे चलते हैं। इन्हें बंद कर दे एक बार। अरे तो बेस्ट ही मजा आएगा। हमारे पास यहाँ कैमरे को देख लिया कैमरामैन। बताइए ये है क्रेमिका का टोमेटो केचप। ओके। ये है अनियंस। अच्छा। प्याज कंठे घंटे। ये है चीज स्लाइस। वैसे तो हमें मोजरेला चीज लेना था लेकिन मिला नहीं लॉकडाउन के चलते। फिर ये है स्वीट कॉर्न। ये हमारे पास ब्रिटानिया के 100% होल व्हीट ब्रेड, आप कोई भी ब्रेड ले सकते हैं आपकी इच्छा के अनुसार। और ये हमारे पास ओरिगैनो, ओरिगैनो की बाहर, क्योंकि ओरिगैनो का दिखा बाहर, बाहर दिखा। हाँ अब ठीक है। ये है ओरिगैनो, जे है ओरिगैनो। ओके। ओरिगैनो को चाकू, प्याज काटने के लिए। अब हम काटेंगे पहले प्याज और हरी मिर्च। अरे गलत चाकू ले लिया, कुंडा चाकू, कुंडा चाकू, यू है हमने इसमें डाल लिया प्याज और हरी मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्न। चलो ओके शुरू, एक मिनट। जितना आप डालना चाहे उतना डाल दें, हम कॉर्न के दीवाने हैं, तुम थोड़ा ज्यादा डालेंगे इसमें। मीठे हैं कि फीके हैं। खाकर देख लिए मेरा पार्ट देखा, मीठे पीके यह मत गई, यह मत गई मीठे पीके वाली बात, बेवकूफ आदमी। अब हम इसमें डालेंगे सोडियम क्लोराइड, नून नून। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। हमने हरी मिर्च इसमें ऑलरेडी काट रखी है, लेकिन रंग के लिए मैं इसमें लाल मिर्च डालूंगा। अब हम लेंगे 4 ब्रेड और हम लेंगे सॉस, सॉस या फिर सास, सास सास लेंगे, सास टमाटर सास। और हमारी जो ब्रेड है उन पे हम लगाएंगे सॉस। वैसे तो इस पे शेजवान सॉस और अलग अलग टाइप के सॉस लगते हैं, लेकिन लॉकडाउन के चलते कुछ मिल नहीं रहा, तो हम इस पे लगाएंगे टमाटर सॉस अपनी इच्छा अनुसार। टमाटर सॉस कोई कोई भी सॉस लगा लीजिए, तू मत बोलना बीच में क्योंकि तो खुल लगाई भाई। हमारे पास चीज स्लाइसेस हैं क्योंकि हमें मोज़रेला चीज नहीं मिला, तो हम इसी को निकाल के ग्रेट करके इनके ऊपर डाल देंगे हमारे पिज्जा, सॉरी हमारे ब्रेड स्लाइसेस के ऊपर। हमारे ब्रेड स्लाइसेस रेडी हैं, अब हम इसको डालेंगे माइक्रोवेव के अंदर। उम्मीद तो पूरी है, और हम भाई बहन बार बार उसको इसलिए देख रहे हैं क्योंकि जैसे बचपन होता है ना फ्रिज में, जैसे बच्चे दूध की आइसक्रीम रखते थे और फिर खोल के देखते थे जमी या नहीं जमी, जमी या नहीं जमी। ये काम तो नहीं करे, मन ही नहीं करे, ठीक से भाई तो मैं आपको तो नहीं करे। मैं रात को रखती थी, सुबह तक रेडी होती थी, उसके पहले मैंने देखती थी। आइए शुभ मुहूर्त का समय, मतलब शुभ मुहूर्त हो चुका है, आइए निकाल लें उसको बाहर, निकाल लें। ये
परछाई दिखेगी सारे क्या है कद आदमी किसने बना दिया तू यूट्यूबर यार मनाना चाहिए था भाई। तो भाई बस मजा आ गया उस दिन, ये थे भैया ब्लूपर्स, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। और दूसरी बात यह कि मैं गया था दिल्ली, अब दिल्ली में कुछ ज़रूरी काम था मुझे, तो मैंने सोचा कि चलो यार दिल्ली जा रहे हैं तो व्लॉग बना लेंगे और खाली सड़कें देखेंगे, तो भैया खाली सड़कों की वीडियो वगैरह बनाएंगे। लेकिन जब मैं दिल्ली पहुंचा तो भैया ट्रैफिक कुछ ऐसा था, मतलब रोड मैं यार फुल खुशी में जा रहा था कि भाई साहब आज तो रोड खाली मिलेगा, लेकिन रोड बिल्कुल भी खाली नहीं मिला, सिर्फ ट्रैफिक जाम, मतलब जैसा नॉर्मल होता ना वैसा ही नॉर्मल ट्रैफिक था, तो उसका भी मैं व्लॉग बना नहीं पाया इतना खास सा। ओके, तीसरा ये हुआ कि भैया मैं कभी कभी टाइम पास के लिए पबजी खेल रहा हूँ क्योंकि लॉकडाउन यार क्या ही कर सकते घर में पड़े पड़े, तो एक मैंने छोटा सा मोन्टाज तैयार किया, बहुत छोटा सा, मतलब वो सिर्फ 10-15 मिनट में एडिटिंग होगी होगी, तो एक बार आप चेक करो। बहुत बढ़िया यार, लड़के इधर लेटा हुआ है, मैंने मार दिया, मैंने मार दिया, वहाँ लेटा हुआ है, एक बेटा है, मार दिया मार दिया उसको, मार दिया मेरे को, आप लगाऊँ अरे यार हट हट यार। ये थी एक छोटी सी कोशिश, जैसा भी आपको लगा कमेंट सेक्शन में इस एक छोटी सी एक मिनट की वीडियो के बारे में जरूर बताना कैसी लगी कमेंट सेक्शन में, तो इस पे भी हम कुछ विचार करेंगे आगे इन फ्यूचर अगर सब कुछ सही जाता है तो, समझ रहे हो ना मेरी भावनाएं। तो बस यार पिछले 10 दिनों में यहीं कुछ 2-3 छोटे मोटे काम हुए हैं और इन सब पे मैं स्पेशल व्लॉग नहीं बना सकता था क्योंकि अगर बनता तो यार 10 मिनट तक खींचना फालतू में सिर दर्द होती आपके लिए भी और मेरे लिए भी, तो मैंने सोचा चलो यार इन सबको छोटा छोटा करके एक ही व्लॉग में बता देते हैं व्लॉग में। तो बस यार ये थी एक छोटी सी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तो आप डिसलाइक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी मेरे को अपनी बाइक की सर्विस भी करवानी क्योंकि करतारपुर राइड मैंने फैब में करी थी और फैब से लेके अभी तक मेरी बाइक की सर्विस नहीं हुई है, तो उसकी भी सर्विस करवानी ज़रूरी है, तो कल परसों देखते हैं कब इसकी सर्विस करवाएंगे। और एक और अलग से वीडियो आएगी मेरी धन्नों की क्योंकि उसने 50,000+ किलोमीटर्स कंप्लीट कर चुके हैं जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, तो उस पर भी एक स्पेशल वीडियो मैं बनाने का प्लान कर रहा हूँ। और बस यहीं था, और भी कंटेंट आगे अच्छा आपको देखने को मिलने वाला है, तो बस यहीं बताना था, बाय। एक सेकेंड, सबसे ज़रूरी बात तो मैं बताना भूल गया, सबसे ज़रूरी बात ये थी कि मेरा लद्दाख 2018 का सारा डेटा रिकवर हो गया, फ़ोटोज़ वीडियो सब, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है भाई साहब। मैं यार इतना टेंशन में था कि यार 2018 का डेटा है मेरा लद्दाख का कहीं मतलब डिलीट ना हो गया और रिकवर ना हो पाए, लेकिन होपफुली भगवान की दुआ से हो गया यार सारा डेटा रिकवर, तो उसका भी कुछ कंटेंट है जो आप लोगों को दिखाया जाएगा, तो मतलब आगे बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। सो यहीं कहना था।